अच्छा पंकज जी ये बताइए, टॉपिक ये है। अच्छा पंकज जी टॉपिक ये है, सुन लीजिए, टॉपिक ये है सत्य असत्य है। सत्य असत्य है इसके बारे में बताइए, क्या विचार है आपका? सत्य जो है असत्य है। प्रश्न मेरा यही है कि सत्य वास्तव में असत्य होता है, इसके बारे में जो विचार आते हैं बताइए। सर इसका जवाब देने के लिए जो है ना दिमाग से खोपड़ी को निकालना, वो क्या कहते हैं सर से खोपड़ी को निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही जवाब मिल सकता है। नहीं तो सत्य को आप परसीव कैसे करते हैं, क्या है सत्य, सत्य क्या चीज़ है? सत्य जो है सो यूनिवर्सल है। आप लोग बताइए जी, सत्य असत्य है क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं जोर लगाइए दिमाग पे थोड़ा सा, सत्य असत्य है। तुम वीडियो बंद करोगे तो जोर लगेगा। नहीं तो मैं सत्य हूँ, बाकी सब असत्य है सर। आप ही सत्य हैं बस, तो आप तो आप जिस चीज को हाथ से पकड़े हैं ये असत्य है। हाँ बिल्कुल। क्यों असत्य है? आप छू रहे हैं, आप स्पर्श कर रहे हैं, इसका जो प्रेजेंस है ये तो है ही सत्य। काउंटर पीट है सर ये। नहीं सत्य है ये, काउंटर पीट ये आप इसको महसूस कर पा रहे हैं इसलिए ये सच है। काउंटरफीट महसूस तो होता ही है सर। तो आप अपने आप को सच सत्य बोल रहे हैं कि आप हैं? हाँ बिल्कुल। आपकी उम्र क्या है? 21 साल। 21 साल से पहले आप क्या थे? 21 साल से पहले क्या थे? हाँ। मुझे क्या पता। तो फिर आप असत्य हैं। तो पिछले जन्म में क्या थे वो कैसे कह सकते? तो फिर आप असत्य हैं। क्यों? जब आपको अपने पता वही सत्य हो सकता है। नहीं जिसके बारे में 2 बजे तक जो है ना जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, गुस्सा कहीं और जाके निकलेगा वो बताओ। नहीं मैं पूछता हूँ, तो जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है वो असत्य है। ठीक है। तो आपको खुद नहीं पता है कि 21 साल पहले आप क्या थे? असत्य की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। तो क्या है डेफिनेशन? जो मेरी डेफिनेशन है मैंने बता दी। तो उसका आप जवाब दीजिए कि 21 साल पहले क्या थे आप? मुझे नहीं पता। जब आपको पता नहीं तो आप असत्य हो गए, ये कोई जरूरी तो नहीं है। तो आप एक्सप्लेन कीजिए, मैं मानता हूँ कि ये जरूरी नहीं है। बस मैं ये मानता हूँ कि 21 साल। एक्सप्लेन कीजिए ये कैसे जरूरी है। मैं तो आपके विचार लेना चाहता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, विचार तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मेरी जितनी नॉलेज है मैं ये चाहता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको। बाकी जो इसमें कुछ चेंज है तो आप बताइए कैसे। तो आपके अलावा इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो असत्य हैं जी, मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है पंकज जी आप बताइए। भाई किसी का नाम ऐड करना मेरे साथ तो बता दो। बताइए जी। हाँ जी मैं और कपिल जी, आप बताइए। आप मैंने टॉपिक दिया कि सत्य असत्य है, क्या कहना है इसके बारे में? तो मत डालना सर, अभी मेरी शादी होनी है, पहले रिश्ते टूटने शुरू हो जाएंगे। परस्पर विपरीत शब्द जो है तो दोनों को जो है सो इक्वल कैसे कर सकते हैं आप बताइए। आपका सवाल ही गलत है, आप इस सवाल को चेंज कीजिए। नहीं सवाल चेंज कैसे करें, हम कहते हैं कि सत्य असत्य है, तो इसके बारे में सोचते क्या है, क्या विचार है बताइए। सत्य को क्या समझते हैं आप, आपके हिसाब से सत्य क्या है? ये तो ऐसा है, सत्य का डिफिनेशन जो है ना कोई नहीं दे पाया, जिस तरह टाइम के डिफिनेशन के लिए हर एक साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है ना। हाँ। आज तक सही परिभाषा कोई नहीं निकाल पाया है, उसी तरह सत्य और असत्य को परिभाषित करना है। और परिभाषा जो इसका एग्जांपल के थ्रू ही किया जा सकता है इसको डिफाइन। आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं। तो बताइए तो वही तो जानना चाहते हैं सत्य क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि सत्य असत्य है, तो पहले तो ये बताइए सत्य क्या है और फिर असत्य क्या है, फिर आप ये बताइए कि सत्य कैसे असत्य नहीं है। मेरे हिसाब से सत्य असत्य है, बताइए जोर लगाइए दिमाग पे। अरे कपिल जी आओ भाई, अभी अपने विचार दो, अधिवक्ता महोदय हो इतने बुद्धिमान। बताइए सत्य असत्य। अभी टाइम नहीं है सर। बताओ तो क्या बताएं, क्या विचार आ रहा है? अभी कोई विचार नहीं आ रहा। सत्य असत्य नहीं है ये कहना चाहते हैं। सत्य नाम का कोई लड़का है वो झूठ बोलता है इसलिए वो असत्य है। बहुत बढ़िया, आप बताओ जी। प्रश्न ये है कि सत्य असत्य नहीं है। सत्य असत्य नहीं है। हाँ नहीं सत्य असत्य है। नहीं सत्य असत्य है। सत्य असत्य है। जब तक एविडेंस ना हो तब तक सत्य जो है वो असत्य ही है। और कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? तो जोर से बोलिए, आराम से बोलिए। अरे इतना बढ़िया टॉपिक लाया, छोड़िए। प्राण जी।